बुजुर्गों के टाइम का घर है, ये जल गया था, पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे। हाँ ये देखिए, मान गया अंजू यार तेरे को, मेरे को लग नहीं रहा था तू गाय बांध सकती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक इट इजी व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। तो गाइस सुबह का टाइम है और सुबह के शायद 6:30-6:30 के बीच का टाइम है और ठंड इतनी ज़्यादा है। कल रात ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाए यार, थक हार गए थे, इतना ज़्यादा बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। तो आज मौसम बिल्कुल क्लियर है और हम गुठान पहुँच चुके हैं, अंजना के घर पे हैं हम अभी। तो मैं भाई, आपको पता है कि जल्दी उठ जाता हूँ, ऑफिस की इतनी आदत है मेरे को जल्दी उठने की, तो उस करके यहाँ पे भी जल्दी उठ गया, थकान वगैरह सारी ख़त्म हो गई। क्योंकि आपको पता है पहाड़ों की नींद कैसी होती है, एकदम ज़बरदस्त। तो अभी मैं टेरेस पे हूँ, तो मैं व्यू दिखाता हूँ आपको गुठान का। करते हैं इस ब्लॉग को शुरू, तो ब्लॉग के एंड तक बने रहे और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। हाँ जी मैडम, व्यू से पहले आपको दिखा देते हैं। देखो ठंड नहीं लग रही, इतनी नहीं है, पर जो भी बोलो यार बहुत अच्छी लोकेशन में है अंजना का घर। नाला नहीं बोलते उसको, उसको बोलते खड्ड। यहाँ नीचे जैसे पहले मैं व्यू दिखाना चाहूंगा, एक क्लीन है, खसदार, ठीक है, ठियोग, अच्छा वो है ठियोग उस साइड, ओके। हाँ मतियाना वगैरह जो हम उस दिन एक एरिया दिखाया था आपको, तो वो उस साइड वाला एरिया है। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो पूरा 360 डिग्री व्यू है। देख लिया आपने कितना अमेजिंग व्यू है गुठान का, मतलब यार ग्रीनरी ग्रीनरी चारों तरफ और फ्रेशनेस, एक नंबर जगह है यार, मज़ा आ गया इस जगह में। और यहाँ पे ना विंटेज घर है बहुत सारे, ये देखिए आप, ये तुम्हारा ही घर था ना पहले, तो ये इनका पुराने टाइम में बुजुर्गों के टाइम का घर है, ये जल गया था। और यहाँ पे देखो इस टाइप की चीज़ें यूज़ की जाती है, ये बोलते हैं पत्थर, ये पत्थर के घर। सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। यहाँ तो बहुत सारे नेचुरल ट्रीज है यार। हाँ, वो गल-गल का पेड़ है। और ऊपर आप देख पा रहे होगे गुठान मंदिर, वहाँ पे जैसे है वो, तो आपको मैं वहाँ जाके स्पेशली दिखाऊंगा पूरा व्लॉग, उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। तो अभी के लिए चलते हैं नीचे, थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ जना की मम्मी के साथ गाय का दूध निकालने जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे इनका मारती तो नहीं है, मारती तो नहीं है, अंदर आना। अच्छा ये है, दो गाय है आपके पास, ठीक है। और इनका जो छोटे छोटे बनाए होते हैं ताकि गर्म रहे। चलो चलते हैं। बर्फ गिरती है ना। हाँ बर्फ गिरती है उस करके। तो यार अभी मैं फ्रेश हो गया हूँ और मैं निकल रहा हूँ अंकों के साथ थोड़ा सा डिस्कवर करने आर पार का। तो आपको भी दिखाते हैं क्या है आर पार, लेट्स गो। कल रात हम इस रास्ते से आए थे, विलेज के बीचों बीच एक रास्ता जाता है, सो सड़क को कनेक्ट करता है। इनके यहाँ सड़क भी आती थी तो, बट आपको पता जैसे बारिश हो रही है उस करके लैंडस्लाइड्स हो गई, तो पूरी सड़क खराब हो गई। ये सड़क ही है ना चेतन को? हाँ ये सड़क ही है। अब देखो हाल क्या हो गया सड़क का, आगे दिखाऊंगा मैं, सारी सड़क नीचे को गिरी है। तो भाई बारिशों से ना बुरा हाल हो गया है। वाह यार यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है। कौन सी वैली थी सामने? शिलारू। ये क्या बर्फ जमी है क्या, शान जमी है रोड पे? नहीं ये पानी है, दूर से लग रहा है शान जैसी जमी है। मैं कहा इस टाइम की बर्फ जमने लग गई है रोड पे, ऐसे कैसे हो सकता है? एक मंथ बाद है। हाँ वन मंथ बाद तो होगा भाई, सही बात है। तो चलते थोड़ा आगे देखते। अंकु मेरे को उस पॉइंट पे लेके जा रहा है जहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, तो चलते है उस पॉइंट पे देखते है। इस साइड तो धूप आ गई है, बट इस वाले एरिया में भी धूप नहीं आई, धीरे धीरे धूप आती है क्योंकि वैली है ना चारों तरफ, एक वैली पे धूप पड़ेगी उसकी शेडो यहाँ पे पड़ेगी, तो वही चल रहा है यहाँ पे अभी। पर ठीक है यार, अगर धूप आ गई तो गर्मी भी बढ़ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है ना अंकु, तो वही है, धूप आते ही गर्मी बढ़ जाएगी, दिन में गर्मी है।
और सर्दियों में तो बड़ा बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है यहाँ पे। फाइनली हम उस पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। तो ये देखिए, अच्छा थोड़ा सा आगे और जाना है, वो देखिए वहां से हो रहा है सनराइज। थोड़ा सा आगे और पॉइंट है वो, मेरे को लगा यही पॉइंट है, पर इस पॉइंट से भी यार बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है। तो वो है लास्ट वाला व्यू, लास्ट पॉइंट जहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, तो वहाँ चलते हैं। पहुँच चुके हैं उस पॉइंट पे। हाँ ये देखिए भाई, तो अंकु बता रहा था इनके एक ताऊ जी है वो वहाँ पे रहते हैं, यहाँ से भी ऊपर रहते हैं ना अंकु, इसी पहाड़ के ऐसे टॉप में, कैसे मतलब वहाँ पे गाड़ी जाती है ऊपर तक, ऐसा नहीं है। तो थोड़ी देर में और अंकु यहाँ पे बैठते, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि फील लो इस जगह का, फिर निकलते हैं घर वापस। ये देखिए आप नीचे, हम यहाँ बैठे थे तो मैंने अभी नोटिस करा, देखो नीचे यहाँ पे है जी वो नाला, ऊपर से आ रहा है, ऊपर ग्लेशियर ओडियन को है ना, जड़ों से है ये देखिए जी, पेड़ों के जड़ों से इतना पानी भाई, बहुत तगड़ी बात है। मतलब जंगल भी बहुत घना है यार ऊपर, जितना आप देखो ना बगीचे भी दिख रहे होंगे ऊपर। तो यार अब हम उतर रहे हैं यहाँ से, देखिए कितना स्टीप है, मजा ये वाला, ये एडवेंचर करने का ना फील ही अलग होता है। मैं कहा अंकु यहाँ से नीचे होके चलते हैं, वहाँ से सीधे सीधे होके आए थे, अब यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े पत्थर है भाई, मुश्किल हो जाता है, पर फ्रेशनेस जो भी बोले ना अंकु यार बहुत अच्छी फ्रेशनेस है यहाँ की। हाँ ये देखिए एप्पल के बगीचे, और ऊपरली साइड मंदिर है, तो मंदिर भी आपको दिखाएंगे। अंकु थोड़ा मंदिर का ऐसे ही बता दे कि कैसा है मंदिर, तो देख के मिलना ऐसे क्या तारीफ कर सकते हैं। तो मतलब अंकु बोला एक बार देखो तो सही, तारीफ अपने आप निकलेगी। तो बस कोई नहीं, वो भी बहुत एक्साइटमेंट है कि कैसा रहता है मंदिर का। तो एक सच्चाई पता चली है कि इस रोड का उद्घाटन अंकु की गाड़ी ने किया है, मतलब अंकु ने किया है गाड़ी चला के। तो इस यहाँ पे भाई मतलब थार तो आराम से चढ़ जाएगी, बट इसने तो वो चढ़ाई है अपनी ऑल्टो K10, बताओ मान गए भाई तेरे को। अब तो नहीं चला सकते, तो अभी तो मुश्किल है, अब तो नीचे वो इकट्ठा हो गया। हाँ नीचे मतलब क्या स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से गाड़ी चढ़ती है ना, वहाँ पे ज़्यादा हाँ दिक्कत है, और वहाँ की मिट्टी ना थोड़ी गीली ज्यादा है, तो हाँ वहाँ मिट्टी ज्यादा है, लैंडस्लाइड्स नहीं आएगी यहाँ पे, ये है क्योंकि पूरा पत्थर ही पत्थर है साइड में भी देखो, तो उस वजह से बेस अच्छा है। सुबह मैं वहाँ भी गया था गाय ढूंढने आंटी जी के साथ। ये देखे कितना स्टीप है, हम पहाड़ के बीचों बीच है, और यहाँ से ऐसे वो ढलान है पूरी, और बीच में वो नाला जो नेचुरली आ रहा है भाई, और वो बोल रहा है कि जो पेड़ों में जो पानी इकट्ठा होता है ना जड़ों में, पूरा फ्लो हो रहा है यहाँ पे, मतलब बड़ी सोचने वाली बात है यार। तो अभी हम आ गए हैं अंजना के निचली वाली साइड में, ये ऊपर घर, और यहाँ साथ में बगीचा है। तो अंकु वो पूरा रास्ते से मतलब हम 360 डिग्री करके आए हैं, यहाँ से हम गए थे ऊपर पूरा घूम फिर के, फिर नीचे हो के आ रहे हैं और दोबारा चढ़ रहे हैं। बेचारी गाय, बेचारी ये वाली गिरी है, नहीं वो वाली गिरी है, ये बेचारी गिरी है, हाँ गिल्ला है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे गाय बांधते हैं, क्या निकाल रहे हर धनिया, तेरे को पता ही नहीं है। अच्छा इस साइड मिर्ची, पूरा ऑर्गेनिक है, मतलब सारी सब्जियां वगैरह यहीं से आपको तोड़ते हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हरा घास है पूरा, मतलब इस टाइम ब्रेकफास्ट टाइम है गाय का, 8 ही बजे अभी तो ये आ गई गाय, आ गई गाय, आ गई लाली तू बांध लेगी, मेरे को लगता है तू बांध पाएगी, मान गई अंजू यार तेरे को, तू इसको बांध लेगी, ये तो मेरे पास आ रही है। अच्छा इसकी पिछली टांग ना इंजर्ड लग रही है, हाँ ये वाली बेचारी, इसको कहाँ बांधेगी। अच्छा अच्छा इसको भी बांध ले, अब बांध इसको जा, पक्का बांध लेगी, वाह यार गाऊ सेवा तो बहुत बड़ी सेवा होती है। गुलाब का फूल,
गुलाब का फूल। हाँ भाई बढ़िया है। यहाँ ऊपर भी लगाए है फूल। और ये भी तुम्हारी होगी सब्जी है जो की है। ये देखो पत्रीड, इसको बोलते हैं जी पत्रीड। पत्रीड नहीं है ये, क्या है? दिस वन इज कुकड़ी। अरे वो पत्तों की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े जो पत्ते हाँ, है हाँ। कुकड़ी की बात नहीं कर रहा, ये है जी पत्रीड। ये है तेरा केल्टा, फूल तोड़ रही है तू यार। यहाँ पे ना सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि मक्की एकदम नज़दीक है, यहीं से बढ़िया मक्की निकालो और खा लो। तो यार मैं सोच रहा हूँ अभी को इस व्लॉग को एंड करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो सुबह मेरे को जितना हो पाया मैंने कवर करा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड देखते रहे टेक इट इजी व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स।